नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जो बैठ चौधरी। वक्त तो चला अपना प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे पीलीभीत की, जहां पर बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि पीलीभीत जिला कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला प्रभारी गुलशन आनंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह के नेतृत्व में गुलशन आनंद का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान गुलशन आनंद ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता होगी केंद्र और प्रदेश संगठन की तरफ से चलाए जा रहे अभियानों को गति देते हुए लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी अधिक से अधिक वोटों से जीतकर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना। अभियान में आप शामिल होने के लिए आए हैं, क्या संदेश देंगे? हमारी पार्टी का एक स्लोगन है, बूथ जीता चुनाव जीता। उसके तहत केंद्र और प्रदेश से चलकर नीचे जिला मंडल शक्ति केंद्र और बूथ, उस चेतना अभियान के तहत आज जो यहाँ कार्यशाला थी, मैं जिला प्रभारी के नाते आज पहली बार आया था। मेरा सौभाग्य है कि पीलीभीत के कार्यकर्ताओं के साथ बात करूं। ब्रिटेन में बात कर लेते हैं अमरोहा की, जहां गंगा कार्तिक मेले का शुभारंभ किया गया। तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा में गंगा कार्तिक पूर्णिमा मेले का शुभारंभ हो गया। गंगा स्नान करने के लिए इस दौरान भारी संख्या में लोग गंगा घाट पर पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और सुरक्षा के जवानों के साथ मीटिंग करने के लिए एडीजी पीसी मीणा और मुरादाबाद के डीआईजी मुनिराज तिर्गी ने गंगा धाम पहुंचकर बैठक की, जहां उन्होंने ऐतिहासिक गंगा मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। इसके साथ ही जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने सुरक्षा में कमी करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी। मैं और हमारा एडीजी जोन बरेली सर, दोनों ने आज पूरा मेला ग्राउंड का भ्रमण किया है और नदी में भी पेट्रोलिंग किया है और जो पूरा तैयारी के एक बार समीक्षा किया है उन लोग सभी ऑफिसर से बात करके, और पूरा मेला क्षेत्र का 8 जोन और 17 सेक्टर से बांटा है और सभी जगह से पूरा कवर करने के लिए मोर देन 100 सीसीटीवी कैमरा लगी है पुलिस ने। उनका कंट्रोल रूम के माध्यम से सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से निगरानी रखेंगे और कई वॉच टावर बनी है। और इसके अलावा तो ब्रिटेन में बात तो शाहजहांपुर की कर लेते हैं, जहां जन चौपाल का आयोजन किया गया। इस जन चौपाल में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। तो यूपी के शाहजहांपुर जिले में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उखरी में आयोजित जन चौपाल में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और ग्राम संगठन और स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिया। इसके साथ ही स्वरोजगार योजनाओं से संबंधित लाभार्थियों को चेक दिया गया, तो वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भी चाबी देकर बधाई दी गई। चाहे अयोध्या का विकास हो, चाहे काशी का हो, चाहे विंध्याचल धाम का हो और चाहे मथुरा वृंदावन का विकास हो, ये हमारी प्राथमिकताओं में से था, है और रहेगा। और हमारे देश के सभी तीर्थस्थलों का विकास हो, धार्मिक पर्यटन बढ़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश धार्मिक दृष्टि से कह लीजिए कि राम भक्तों की, कृष्ण भक्तों की, शिव भक्तों की, माँ के भक्तों की राजधानी है और देश भर से लोग आते हैं और उनके स्वागत के लिए हम तैयार हैं और हम जानते हैं कि इसके माध्यम से लाखों नहीं करोड़ों रोजगार भी सृजित होंगे। धन्यवाद। मिल गया काशी और मथुरा भी। अब मैंने बताया ना, अयोध्या मथुरा काशी सहित कोई भी ऐसा स्थान हो, उस तीर्थ स्थल का विकास हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। धन्यवाद। चाहे अयोध्या का विकास हो, चाहे काशी का हो, चाहे विंध्याचल धाम का हो। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं बदायूं की, जहां मिनी कुंभ मेले का की तैयारियों को लेकर पुलिस ने जायजा लिया, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिले। तो बदायूं के रोहेल खंड में मिनी कुंभ ककोड़ा मेले की तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा को लेकर गंगा स्नान के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं, जिसको लेकर एबी स्टार न्यूज ने ग्राउंड जीरो से तैयारियों का जायजा भी लिया। गंगा घाट पर लाइटिंग से लेकर अस्थायी सड़क निर्माण पर कार्य पूरा हो गया है, तो वहीं गंगा स्नान के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी तादाद में पुलिस की पीएसी के इंतजाम किए गए। मेला ककोड़ा में लाखों श्रद्धालुओं के साथ वीआईपी का भी डेरा रहता है। कैंपस में कोतवाली से लेकर कमिश्नर, डीएम, एसएसपी सभी की अस्थायी कैंप बनाए जाते हैं, तो वहीं जिले के सभी जनप्रतिनिधि भी ककोड़ा मेला पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं।
घोड़ा को लेकर जो तमाम व्यवस्थाएं जिला पंचायत की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई? जिला पंचायत की ओर से रहने की, सुरक्षा की, खास तौर से महिलाओं के चेंजिंग रूम की, और श्रद्धालुओं के जो सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए जो नदी में गहराई है उसका आकलन करा करके उसकी बैरिकेडिंग भी कराई गई है। पार्किंग की वृहद व्यवस्था की गई है और उसमें हमारे आवागमन अवरुद्ध न हो किसी गाड़ी के फंस जाने के कारण, तो क्रेन की भी व्यवस्था कर ली गई है कि अगर कोई ऐसी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बागपत की, जहां पर पैरोल पर बाहर आए राम रहीम को लेकर श्रद्धालुओं से मिलने की इजाजत तो नहीं दी जा रही है। तो डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह, राम रहीम पांचवी बार बरनवा डेरा आश्रम में 21 दिन की पैरोल पर आए हुए हैं। इस बार बिनौली आश्रम में श्रद्धालुओं के आने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, जहां मुख्य द्वार को भी पूरी तरीके से बंद रखा गया है। गेट पर पुलिस बल को तैनात किया गया है, तो वहीं दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को वापस अपने घर भेजा जा रहा है। आश्रम में केवल विभिन्न सेवाओं से लगे सेवादार ही मौजूद हैं, जहां डेरा प्रमुख लाइव आकर ही दुनिया भर के अपने अनुयायियों को संदेश देते नजर आ रहे हैं। ब्रिटेन बात सीतापुर की कर लेते हैं, जहां प्रेम प्रसंग के चलते युवती के साथ मारपीट का मामला सामने आया। तो सीतापुर में प्रेम प्रसंग के चलते परिजनों ने युवती के साथ मारपीट की, जिसके बाद युवती अपनी जान बचाने के लिए अपने प्रेमी के घर पहुंची। प्रेमी के घर पहुंचते ही युवती के भाई ने प्रेमी युवक और युवती पर हमला कर दिया। प्रेमी के भाई ने युवक की गर्दन पर बाकी की से कई प्रहार किए, जिससे के बाद घायल प्रेमी प्रेमिका को मोहाली CHC में भर्ती कराया गया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जानकारी के मुताबिक कुछ समय पहले प्रेमी युवक प्रेमिका को लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद घर लौटने पर युवती के परिजनों ने युवती की पिटाई की। थाना मोहली के अंतर्गत ग्राम मुड़ा हुसा से आज पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति घायल हुए हैं एक मारपीट की घटना में। पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर जब जांच पड़ताल की गई तो यह पता चला कि संजय जो जात से पासी हैं, इनके साथ मारपीट हुई है। वह एक अन्य महिला जो इनके ही एक्सटेंडेड फैमिली की है उसके साथ में मारपीट हुई है। जब गहराई से इन बिंदुओं की जांच की तो पता चला कि इन दोनों व्यक्तियों के मध्य आपस में प्रेम प्रसंग था, जिस पर इनके अन्य परिवारी जनों के द्वारा आपत्ति की गई। जो महिला है उसके भाई व उसकी माता के द्वारा इन दोनों लोगों के साथ में मारपीट की गई व संजय के गले पर धारदार हथियार। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बागपत की, जहां जमीन के बंटवारे को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। तो बागपत से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां जमीन के बंटवारे को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई का कत्ल कर दिया। घर में रखे फावड़े से काटकर भाई की हत्या कर दी। बता दें कि यह सारा मामला बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के जोनमाना गाँव का है, जहाँ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान CEO बड़ौत ने बताया है कि बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या की। हत्या में प्रयुक्त फावड़ा बरामद करते हुए हत्यारोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने भाई को जेल भेज दिया है। तो वहीं पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि पूरा विवाद 9 बीघा जमीन से जुड़ा हुआ है। जमीन का बंटवारा ना हो इसलिए बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही हत्या का खुलासा करते हुए हत्यारोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया। कल दिनांक 21/11/2023 को थाना बड़ौत के जौनमाना गाँव में एक भाई द्वारा अपने ही सगे भाई का मर्डर कर दिया गया। इस संबंध में शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के चाचा की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अभियुक्त रविंद्र। तो ब्रिटेन में बात शामली की कर लेते हैं, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। तो शामली में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जहां जिलाधिकारी रविंद्र सिंह और केराना सांसद प्रदीप चौधरी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से भाग लिया गया। इस दौरान सांसद ने कहा कि यह यात्रा जन जन तक भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुँचाने के लिए की जा रही है और यह यात्रा आने वाली 26 जनवरी तक जारी रहेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया, क्या उद्देश्य? मुख्य उद्देश्य विकसित भारत संकल्प यात्रा का भारत सरकार की योजनाओं को अच्छे से लोगों तक पहुंचाने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को ठीक से लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस यात्रा को निकालने का कार्यक्रम किया जा रहा है, ताकि लोग वंचित न रह पाएँ, लोग योजनाओं का ठीक प्रकार से लाभ उठा पाएँ और संबंधित व्यक्ति भी इसके साथ रहेंगे। किसी व्यक्ति को कुछ उसकी जानकारी भी लेनी हो तो उस जानकारी के भी इसको उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। कब तक चलेगा कार्यक्रम ये 26 जनवरी तक? तो बुलेटिन के आखिरी में बात गोंडा की कर लेते हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि यहां एक प्राइवेट बस और बाइक में भिड़ंत हो गई।
तो गोंडा से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां के प्राइवेट बस और बाइक की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक घायल हुआ। बता दें कि यह हादसा हुजूरपुर करनीलगंज मार्ग दत्तनगर मोड़ के पास हुआ, जहां हादसे में बाइक सवार युवक बस के नीचे चला गया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने घायल युवक को करनीलगंज CHC में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक बारात की विदाई के बाद अपने गांव वापस आ रहा था, इसी दौरान हादसा हुआ। तो यूपी के बुलेटिन अपना तो प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें ABC स्टार न्यूज़।